हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम सब आपको अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे पास ये सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, 6.5 kg की। इसका ये मॉडल सीरियल नंबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वॉश चलाता हूँ तो नहीं चलती है, स्पिन चलाता हूँ तो चल जाती है। वही मैं प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस माई वीडियो पूरा, आप लास्ट तक देखिएगा तभी हमारा वीडियो को समझ में आएगा। इसको मैंने स्पिन वॉश रिंस तीनों पे प्रोग्राम करके वाटर लेवल सेलेक्ट करके सबसे लो पे वाटर लेवल करके इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है मशीन को। ये 26 मिनट का टाइमिंग लेगा। 26 मिनट के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। 26 मिनट पूरा टोटल लेगा, वॉश रिंस स्पिन तीनों करेगा, मतलब धुलेगा, खंगालेगा, फिर सुखाएगा। और क्विक वॉश लगा हुआ है, इसका मतलब जल्दी हमारा कपड़े धोएगा 26 मिनट में। तो वॉश के लिए इसका मैं केवल वॉश के लिए कम टाइमिंग ही कर देता हूँ, ये केवल 8 मिनट का ही लगेगा। देखिए, एक नंबर कर दिया, 8 मिनट का हमारा केवल वॉश फंक्शन पे है। हमें केवल चेक करना था इस पे पानी नहीं ले रहा है, वॉश पे पानी किसी चीज़ पे नहीं ले रहा है, ना रिंस पे ना वॉश पे, ठीक है। तो इस पे मैं केवल वॉश पे लगा के चेक करता हूँ, तो पानी तुरंत ले लेना चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता तुरंत पानी ले लेना चाहिए था, तो अभी तक नहीं लिया है। इसकी यही प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए, हमारा ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, हमारा वाटर भी ऑन है, पानी नहीं ले रहा है मशीन। तो वही मैं आपको चेक करके बताऊंगा, पूरी मीटर से चेक करके क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं स्पिन करके दिखा देता हूँ, स्पिन हमारा ये हो रहा है। ये देखिए, स्पिन लगा देता हूँ, 8 मिनट का ये भी टाइमिंग लेगा। 3 मिनट तक पानी निकालेगा, 3 मिनट जैसे ही पानी निकल जाएगा वैसे ही मशीन हमारी स्पिन करने लगेगी, कपड़े को सुखाने लगेगा। ये देखिए, स्पिन पे लगा हुआ है। जैसे ही ये 5 पे आएगा, 5 पे आएगा वो हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, स्पिन करने लगेगा। कुछ समय देना होगा हमें यहाँ पे। देखिए, ये हमारा 3 मिनट हो गया है। 3 मिनट के बाद हमारा तुरंत स्पिन हमारा स्टार्ट हो गया है। देखिए, स्पिन हमारा स्टार्ट हो गया है, कपड़े सुखाने लगे हैं, स्पिन चल रहा है बट वॉश नहीं हो रहा है। वही चेक करके आज बताऊंगा। डीसी डोर एरर आता है। जब डोर उठा लेते हैं तो डीसी एरर आने लगता है। इसका एक ही और मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूँ। डीसी अगर आता है तो ये डोर का जो सेफ्टी स्विच है वो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, हमारा यहाँ तक पानी आ रहा है, पाइप में पानी आ रहा है, हमारा अंदर पानी वॉशिंग मशीन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इंटेक वाल्व या पीसीबी या कोई अदर प्रॉब्लम, तो वही मैं आपको क्लियर बताऊंगा। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा तभी आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, मैं इसको वायर को निकाल देता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। वायर को मैंने निकाल दिया हूँ, इसको बैक साइड पे आऊँगा जहाँ पे इंटेक वाल्व वगैरह लगा हुआ है, उसको मैं स्क्रू दो है उसको खोलूँगा और कवर को बाहर निकाल दूँगा। उसके बाद ये देखिए, हमारा जो ये टूटी जहाँ पे लगा हुआ है उसको ओपन करूँगा। उसका जो फिल्टर वगैरह है इसको पहले ऑफ कर दूँ। इसका जो फिल्टर वगैरह है उसको चेक करूँगा, फिल्टर कहीं चोक वगैरह नहीं है। अगर जाम होता है, चोक होता है तो पानी अंदर नहीं लेता है, इससे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है मशीन में। और हमारा ये जो फिल्टर है, फिल्टर हमारा एकदम क्लीन है, पानी हमारा अंदर ले लेता, इसमें कोई और प्रॉब्लम है। ये ऊपर ही हमारा एक ब्लास्ट हुआ है इंटेक वॉल्व, ये देखिए ब्लैक पड़ा हुआ है, ये हमारा ब्लास्ट हो चुका है, ये मेल्ट हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए, ब्लैक कलर का हमारा ये बाहर आ गया है, ये इंटेक वाल्व इसको चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये इंटेक वाल्व जो सप्लाई आ रही है उस पर सप्लाई आ रही है या नहीं उसको भी चेक करूँगा मीटर से। तो ये जो जैक लगा हुआ है इनलेट इनलेट वाल्व पे,
उसमें 200 वोल्टेज आना चाहिए, 280 वोल्टेज आना चाहिए, न्यूट्रल फेस होता है उस पर वोल्टेज आना चाहिए सप्लाई पे। तो वही मैं चेक करूँगा मल्टीमीटर से वोल्टेज पे लगा कर मीटर पे, और इस दो पिन को इस थिम्बल में लगा कर इसको चेक करूँगा। इस पे लगाऊंगा वास पे, वास पे लगाने के बाद स्टार्ट कर दूंगा मशीन। देखिए हमारी यहाँ तक प्रॉब्लम, मतलब हमारी वोल्टेज आ रही है, पीसीबी हमारी वोल्टेज यहाँ तक दे रही है, तो हमारा पीसीबी तो ओके है क्योंकि सप्लाई हमारी यहाँ तक आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई यहाँ तक आता है और पीसीबी भी ब्लास्ट होती है, पीसीबी भी जली होती है, तो पीसीबी भी आप चेक कर लीजिएगा। और इंटेक वाल्व जैसा कि हमारा ब्लास्ट है, इसको मैं चेंज करूँगा इंटेक वाल्व को, इसको मैं नया लाऊंगा, नया लाया हूँ, और वैसे ही लगा दूंगा जैसे पुराना वाला इसमें लगा हुआ था, नया इंटेक वाल्व लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या पीसीबी भी प्रॉब्लम हुए। इसको मैंने लगा दिया है, ये तो ब्लास्ट हो चुका है, इसमें तो 100% श्योर है कि ये हमारा इंटेक वाल्व ही प्रॉब्लम है, इंटेक वाल्व ही शॉर्ट है, खराब हो गया है। तो इसका वायर वगैरह मैं लगा दूँ, इस पर वायर लगा दिया। अब मशीन को स्टार्ट करता हूँ, सॉरी उससे पहले मैं ये पाइप लगाऊंगा, वाटर वाली पाइप लगाऊंगा। इसका जो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इस पर इसका जो इनलेट वाल्व की नेट है, जो फिल्टर है, वो क्लीन है या नहीं, उसको भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए एकदम क्लीन है, एकदम फर्स्ट क्लास है। इसको मैं लगा दूंगा, एकदम टाइट करना होगा, पानी लीकेज नहीं होना चाहिए यहाँ से। पानी लीकेज होगा तो टाइमिंग दिक्कत होगी, मशीन आपकी नहीं चलेगी। और मैं मशीन को अब ऑन करने जा रहा हूँ, इससे पावर लगा दिया है इस पर, और इसका जो वाल्व है उसको भी खोल दिया हूँ। मशीन स्टार्ट करता हूँ, मशीन वास पे लगा दिया है, वाटर लेवल कम कर दिया है और स्टार्ट कर दिया हूँ मशीन को। और ये हमारी मशीन पानी लेने लगी है, ये देखिए इससे लाइट की प्रॉब्लम है, सॉरी ये ग्लास की वजह से आपको धुंधला सा दिख रहा है इस पर। देखिए हमारा पानी लेने लगा है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, पानी नहीं ले रहा था पहले, अब पानी लेने लगा है। तो कुछ समय वेट कीजिए मशीन को, मैं इसका जो पानी है, पानी कंप्लीट हो जाए, मशीन चल जाए, उसको मैं फंक्शन आपको चेक करके दिखा देता हूँ। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई अदर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर। देखिए 7 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट पानी लेगा हमारा ये, 2 से 3 मिनट तक। देखिए हमारा 2 से 3 मिनट हो गया, पानी लेकर स्टार्ट हुआ है, अभी भी पानी ले रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पानी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ समय और लेगा, ये पानी ले रहा है अभी। पानी जैसे ही बंद होगा वैसे ही आपकी मशीन वॉश करना स्टार्ट कर देगी, अभी भी पानी ले रहा है। देखिए हमारा मशीन जो है पानी कंप्लीट कर चुकी है और मशीन हमारी चलने लगी है कंटिन्यू, एंटी क्लॉक दोनों चल रही, कभी क्लॉक चल रही कभी एंटी क्लॉक चल रही है। हमारा मशीन वॉश जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, छोटी सी प्रॉब्लम थी इंटेक वाल्व की। और मैं अब स्पिन पे लगा के चेक करता हूँ स्पिन चल रहा है या नहीं। मैं स्पिन पे लगा के, इस पे वाटर लेवल तो लगेगा नहीं, पानी तो नहीं लेगा, पानी निकालेगा। स्पिन पे कपड़े सुखाने का काम होता है, स्पिन पे लगा कर मैं, देखिए आउटलेट से पानी हमारी निकल रही है, आउट ड्रेन पाइप से निकल रही है पानी। ये भी 3 मिनट पानी निकालेगा, 3 मिनट में पानी पूरा निकाल देगा। और इसमें जो प्रॉब्लम था इनलेट वाल्व की प्रॉब्लम थी, इनलेट वाल्व पूरा शॉर्ट हो गया था। देखिए हमारा 3 मिनट हो चुका है, हमारी मशीन ऑन हो गई, मशीन हमारी चल गई है, ठीक है।
और उसका कवर वगैरह वैसे जैसे मैंने खोला था वैसे ही फिट कर दूंगा। और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगले वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड।